गाइस उठ के सुबह सुबह नहा के सबसे पहले जन्मदिन वाले दिन भगवान के दर्शन लेने करने चाहिए और खाटू बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। तेरे खाटू बाबा मेरे पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। जय श्री श्याम। और ये पहनी है मैचिंग की रिंग एंड मैचिंग मेरे स्लीपर्स है और मैचिंग मेरा बैग। तो गाइस बता रहा कैसी लग रही हूँ मैं, प्रतीक थोड़ी देर में दिखाने वाले। अब हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। yes. और हम जा रहे हैं नोएडा गार्डन गैलेरिया मॉल में। वहाँ पर तो वहाँ पर जो कैफे और लाउंज है टाइम मशीन, वहाँ जाने का हमारा प्लान है कि हम लोग वहाँ जाएंगे। मगर वहाँ पर और भी कैफेज हैं, तो हो सकता है वहाँ जाके प्लान कुछ चेंज हो जाए, कुछ और मन हो जाए। तो ये मेरा आज का लुक है। ये टी शर्ट है, अपनी तो सिंपल होती है, वाइट टी शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स और ये लगे चाटे इसमें। दो चाटे लगे इसमें भी। ये मुझे मार रहा, देखो उसकी साइड से ही आके मार रहा है मुझे। दोनों तो भाई एक हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके बाय। मिलते हैं गाइस। मेरे को भी दिखाओ, उधर हो जाओ तुम उधर हो जाओ, मुझे बात करने दो। तो ऐसे करो ना तुम। हाँ। बात। हाँ तो ठीक है गाइस, आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। अब हम चलने के लिए तैयार हैं, अब हम जाएंगे और हमारे साथ आप बने रहिए। वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग अपना मेरा बर्थडे ये लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग बर्थडे पे क्या क्या कर रहे हैं और वहाँ पे क्या क्या है। तो ओके सी यू। रेडी चलने के लिए तैयार हो? गुस्से में हो क्या? हो गया करने वाली। हाँ ये मेरा ही काम है। आँखों में लग गया मेरे आपका परफ्यूम पता है? गाइस हम हो चुके हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं जाने के लिए। मैं रेडी हूँ। वाओ मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है ना, मेरा मेकअप अच्छा। यस मैं मेकअप तो अच्छा करती हूँ। और गाइस मंदिर में हो रहा है सामने कीर्तन, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। आज रामनवमी के साथ साथ मेरे पति का बर्थडे जब रहा है और हम लोग जा रहे हैं घूमने। आप लोग भी हमारे साथ चल सकते हैं। और प्रतीक और शिवाय नीचे जा चुके हैं और रुद्राक्ष को उन्होंने उसके दादू को दे दिया है। उसको हम नहीं लेके जा सकते गाइस, बिकॉज वो बहुत परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। और जब वो इरिटेट हो जाता है तो हम लोगों को कुछ नहीं करने देता। अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर हमारे साथ जाया करेगा। अभी वो दादा दादी साथ इन्जॉय करता है और वहाँ से बहुत अच्छा भी लगता है। गाइस हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और गाड़ी में बैठने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने अपनी मंजिल को पाने के लिए। मुझे नहीं पता मंजिल कौन सी हमारी। प्रतीक लेके जाएंगे, जो लेके जाएंगे आपको पता ही होगा। और वहाँ डिसाइड करेंगे हम यार, येलो लाइट्स और अंधेरा ये सब नहीं चाहिए। वो तो हर कैफे में होता। नहीं 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 नहीं, जैसे होता लिमिटलेस अच्छा था। और भी लाइट लिमिटलेस ना, अंधेरा नहीं, मतलब फिर भी सर्दी में थोड़ा अच्छा लगता है।
वैसे लिमिटलेस भी अच्छा है ना, दोबारा नहीं जाएंगे वहाँ पे। काया भी तो है, सुनेंगे हम और इनकी मन की करेंगे क्योंकि बर्थडे इनका है और जिसका बर्थडे होता है उसके मन मुताबिक करना चाहिए सारी चीजों को। लेकिन गाइस इतनी ज्यादा भीड़ और इतना सब कुछ लगा पड़ा, देखिए गाइस पूरा जाम लगा पड़ा है और क्या बताएं। शिव शर्मा हमारे साथ हैं। ओहो बात से गुस्सा है। ओहो तुम्हें क्या चाहिए? ओहो एफ बार चाहिए ना। अरे तुम्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए गुड्डू। देखिए कितना, देखो गुड्डू गुड्डू देखो कितना बढ़िया स्काई दिख रहा है, इसमें कितना अच्छा माहौल मौसम हो रहा है। कहाँ ये आ रहा है प्लेन, ये आप सभी को दिख रहा होगा। गाइस को नहीं दिख रहा, दिख गया गाइस को, मैंने ज़ूम कर दिया था, दिख गया उनको। है ना आसमान कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, आसमान का रंग एकदम गजब लग रहा है। गाइस लगभग पहुंच ही गए हैं, पहुंचने ही वाले हैं, 10 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप लोग दिखा रहे हैं बता रहे हैं मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अब साइड से भी देख सकते हैं। गाइस आवर डेस्टिनेशन इज लेफ्ट, इट्स इन द लेफ्ट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर और अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें जाना कहाँ है। यहाँ पर काफ़ी सारे लॉन्स कैफेज और एफ बार टाइप्स की चीज़ें हैं। इधर 100 रुपये का कितना? एक इधर तो दो बॉल डाल, यहाँ दो बॉल डालने पे एक प्राइस है और यहाँ एक बॉल डालने पे प्राइस है। खेलो इधर, आप खेलो ना, बर्थडे आपका है, आपके बेटे का, आप देखो क्या तुम ये तो इसके तो पूछ जाएंगे। 100 का 3 बॉल दे, 100 में 1 है और 200 में 3 बॉल है। शिवाय समझो पहले बेटा, लो तुम बनाओ। शिवाय आपको ना एक गोट मिल देंगे, तारे के अंदर गया वो लगा है, लेकिन बाहर इस पे लग गया है ना। नहीं ना आराम देख, बहुत प्यार से मार, ऐसे ऐसे नहीं, आराम से ऐसे कर। तू देखते ये देख, ये लिख ये आपको आसान लग रहा था ना बात। आपको बहुत आसान लग रहा था ना बेटा भी। इसमें क्या करना है? इसमें ड्रम में बस और कुछ नहीं, सो में 2 बॉल है मगर दोनों जानी चाहिए तो तुम डाल सकते हो। तुम देखो ये सब तुम्हें याद है। सॉरी 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 ओए डालो पापा। तो गाइस ये है इल्यूजन, यहाँ देखते हैं क्या क्या है। सूत्रावार कैसे है ये? हाँ
देखो गाइस, आते ही शॉपिंग वॉपिंग करा दो, शॉपिंग मतलब। अरे वो ट्रिकी है, वो हो नहीं सकता था, दूसरा वाला आसान था, ड्रम वाला ना, हाँ वो थोड़ा आसान था, बट आपने सस्ते चक्कर में वो ले लिया। सस्ता वो था, मेरे को लगा ये आसान है, मगर आसान था। आप बार बार उससे भी बोल रहे थे तो बड़ा आसान है, ले लेते हैं इसको, कर लेते हैं, जीत जाएंगे। हाँ तो वो ट्रिकी था ना, पता नहीं, जो ड्रम वाला था ना उसमें जीते वो लोग बच्चे, और ये हमारा लड़का था, ये तो कहता हजार रुपए की बॉल गिरवा देता हूँ, ऐसे करके याद है कैसे करो मम्मा, जाते हुए एक बार और करेंगे ना उसे, ड्रम वाले को करेंगे जाते हुए। पहुंच चुके हैं गाइस ऊपर, आगे आगे चल रहे हैं। प्रतीक को ना शिवाय के होते हुए मेरी ज़रूरत नहीं होती है, और जो शिवाय नहीं होता तो मेरे साथ साथ चलता है, यही बात होती है। छोड़ो कोई नहीं, गुड है, अच्छी बात है। टाइम मशीन का सोच के आए ना, टाइम मशीन में ही जाएंगे, बता दिया टाइम मशीन है ये। ठीक है, मुझे साड़ियाँ वाड़ियाँ दिला रहे हैं क्या, ये पहले सब देखेंगे सब पसंद का है इनके कि नहीं। ये है कॉकटेल डेक सेसी, यहाँ पर ना ये जगह जो है गार्डन गैलरी है, ये इनफ है इन सब चीज़ों के लिए। देखो एक ये रहा टॉय बॉय और ऑस्कर, लक्स, लॉर्ड एंड ड्रिंक्स एंड डैन, बहुत ज़्यादा वैसा सा है, वैसा मेरा सा है ना। ये है माइक्रोग्रेवी ये रहा, और एक रहा टॉय बॉय, यहाँ पर सब यही है। यहाँ पर कुछ कमिंग सून भी है, द स्मोक फैक्ट्री। तो गाइस अगर आप चाहते हैं आना किसी कैफ़े में या कहीं भी ऐसी जगह पर, तो आप गार्डन गैलरिया आ सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ों के लिए इनफ है, इम्परफेक्ट टॉप। ट्राई करते हैं इसको भी देखते हैं। हमने जस्ट अभी एक चेकआउट किया है कैफ़े इम्परफेक्टो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बहुत गंदा लगा, पता नहीं क्या प्रतीक को लग रहा था, चेकआउट कर रहे हैं जाके देगा, जैसे एंट्री करी ना वो वेस्ट चीज़ों से बना हुआ है, इतना गंदा सा। इसे तो अच्छा मैं गांव में किसी के वैसे टूटे फूटे घर में जाके बैठ जाऊँगी, वहाँ जाके खाना खा लूँगी, बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली मुझे। अरे यार बड़ा गंदा सा था अजीब सा यार, मेरे को तो उधर के कैफे से पसंद आया, लिमिटलेस था ना जिधर, वहाँ बड़े बड़े कैफेज हैं, ये छोटे हैं यार बहुत। मैंने दिल्ली के लिए बोला था आपको, आप तो थका दोगे, ऐसे करते हैं हमेशा, कहीं भी जाते हैं ना पहले थका देंगे, फिर इंसान की शक्ल उतर जाती है, फिर तो शक्ल उतर जाती है, फिर कहेंगे कैसा मुंह बना रखा है, कैसा मुंह बना रखा है, फिर ये करते करते घूमेंगे पे आगे पीछे। देख खुद तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आते हैं, अब भाई बंदी तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के नहीं आई है, बंदी तो सैंडल लेके जैसे पहन के आई है। और चेकआउट कर रहे हैं, ये है टाइम मशीन कैफे जहाँ पर हम लोग आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ उसका थोड़ा सा। यहाँ से गाइस एंट्री है, ये जो हम यहाँ से हमने एंट्री की है, इधर ये पूरा बार सेक्शन है, पूरा टाइम मशीन थीम पर ये बना हुआ है, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। ये वाला जो आर्टिस्ट का शायद बुक हुआ है किसी पार्टी के लिए, ये प्रॉपर बुक है, इधर बुक है आपका पूरा, आप अंदर चले जाओ, और ये इसका जो पूरा थीम बना हुआ है ना, ये मशीन का बना हुआ, जा सकते हैं क्या? टाइगर डे
बुक है ना, मतलब पार्टी के लिए बुक है, बट आप जा सकते हैं। ये इनका पूरा एरिया जो है पार्टी के लिए बुक है। यहाँ पर इनकी क्लीनिंग चल रही है गाइस, ये देखिए आप, ये पूरा टाइम मशीन बेस्ड है। इसकी पूरी थीम जो है, शिवाय आओ काम बेटा, पूरी जो थीम है इसकी वो वाकई में प्रॉपर टाइम मशीन बेस्ड है। और हम लोग थोड़ा सा अर्ली आ गए हैं इसीलिए क्योंकि हमें ब्लॉग शूट करना था। काफ़ी बड़ा है ये, इसका पूरा इधर भी एक एरिया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं गाइस। और इनका एसी इतना ज़्यादा कूल कर रहा है गाइस कि मैंने तो बहुत, एक शॉर्ट ड्रेस पहनी है तो इसलिए मैं तो जाऊँ ना प्रॉपर हो चुकी हूँ कूल कूल। ये तो बहुत ठंडी लग रही है, ये बैठे प्रतीक यहाँ पर। और ये इनका बाहर का एरिया है, बाहर का एरिया मैं आपको दिखाती हूँ, एक इधर भी ये प्रॉपर ना इसके। यहाँ पे तो मॉस्किटो आ जाते होंगे, नहीं ये सर्दी के लिए अच्छा है, सर्दी के लिए अच्छा है। तो ये जो है यहाँ का पूरा एम्बियंस है, ये पूरा वुडन का जो है बना हुआ है फ्लोर। और ये आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहती हूँ कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है गार्डन गैलरिया मॉल का। प्रॉपर कैफेज हैं उधर, वाव है उधर, वाटर पार्क है, क्राउड धीरे 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 बढ़ रहा है यहाँ का। हाँ बेटा बेटा यहाँ पे थोड़ी गर्मी है ना, यहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे बेटा, यहाँ गर्मी है और ये सर्दी के लिए अच्छा है। देखिए यहाँ का जो रूफ़ है ना वो भी बहुत सुंदर बना हुआ है, सेटिंग भी बहुत अच्छा है यहाँ का, मैं आपको दिखा सकती हूँ ये देखिए। और ये प्रॉपर टाइम मशीन थीम पर, ये इधर पार्किंग है गाइस, इधर तो एरिया काफ़ी अच्छा है। इधर हम लोग आएंगे फिर से, एक दिन और आना है हम लोगों को बाव जाने, क्योंकि हम लोगों को। और अंदर का माहौल तो इतना कूल कूल है कि मैं क्या बताऊँ, प्रतीक को बुला के ला रहा हूँ देखने के लिए। बाहर का देखने आ रहे हो क्या, बाहर बाहर गर्मी है, गर्मी है बाहर, तो वहाँ क्यों बैठे हो, आपको बाहर दिखाना चाहते हैं, एक बार देख लो। ये सर्दी के लिए अच्छा है, सर्दी के लिए अच्छा ना। यहाँ पे शिवाय को मिल गया ये स्टैचू, क्या कर रहे हो ये, अच्छा करो शिवाय को तो खेलने के लिए खिलौना मिल गया। ये आ गया है हमारा स्टार्टर, शिवाय के आए हैं नूडल्स, मोमोज
ये फिनिश कर दिए। पिज्जा नहीं खा रहे तुम क्यों? अच्छा तो है यार, सही तो है। अच्छा नहीं लगा। वेजीज भी कम है इसमें तो। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पर हैं टाइम मशीन में। हमने अभी अपना स्नैक्स वगैरह फिनिश करा है, मील भी हो गया हमारा। हाँ मील भी हो गया, पेट भर गया, हमारा पेट बहुत ज्यादा भर गया क्योंकि हम डाइटिंग पे चल रहे हैं तो हमको खाने की ज्यादा आदत है। ये शिवाय शर्मा ये कह रहा है कि चलो यहाँ से और मेरे को गेम्स कराओ, तो आप इसके गेम्स का कुछ जुगाड़ करेंगे। अब बच्चे बच्चों का पहले देखना होगा। चलो मेरा तो मन यहाँ पर चल रहा था बैठ के आराम से क्रिकेट देखने का, वहाँ मैच चल रहा था। दिखाओ मैच, अगर कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस हमारा हो चुका है यहाँ का डन, अभी हम जा रहे हैं कहीं और जहाँ पर हम जाएंगे आपको दिखाएंगे ज़रूर, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर एक वेस्ट साइड का हमें स्टोर मिला है, देखिए कुछ चल के करंट लगा। तुम्हारे हाथ से मेरा हाथ टच हुआ ना, करंट मतलब करंट है भाई, इलेक्ट्रिक मैन मेरे अंदर करंट। वैसे गाइस आप सोच रहे होंगे कैसे आजकल हो जाता है कभी कभी, जिन लोगों को हम लोगों से प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ का क्राउड जो है वो ये हो रहा है, और यहाँ पर रूबरू रेस्टोरेंट में जो है आपका, अब शिवाय को ये सब करना है इसलिए शिवाय जो है अपने पापा को पकड़ के हाथ आगे आगे लेके जा रहा है गाइस। हालांकि मैं मना नहीं करती हूँ पर उसे लगता है सीरियसली बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है क्योंकि हल्की हल्की गर्मी और हवा इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती, ठंडी ठंडी नहीं है पर हल्की हल्की गर्म सी हवा है और बढ़िया मौसम हो रहा है। ये तो चल जाता है पर इससे तो गर्म अच्छा नहीं होता, और इससे अगर ठंडा तो फिर ठंड लगती है। अभी बैठ रहे हो तो ये देखिएगा, दोनों पापा बेटा बैठ गए हैं। इन सब चीजों में मजा आता है शिवाय को गाइस। कहाँ लेके जा रहा है अपने पापा को, तो गाइस एक बूंद मेरे ऊपर आके पड़ी है, इसका मतलब ये है कि बारिश आने वाली है। गाइस मैं और शिवाय स्कूटर पे बैठे हैं, शिवाय चला रहा है। ओए ऐसा मत कर, गिर जाऊंगा मैं। शायद पापा को बिठा के घूम रहे हो, आज आराम से चलाओ। ये क्या, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ऐसी बाइक चलाओगे ना, तो तुम्हें पकड़ के बैठ जाऊंगा मैं पीछे। ठीक है तेज चलाओ, तेज चलाओ, तेज ये और तेज, मोड़ो मोड़ो।
बारिश आने वाली है, बारिश आ गई, बारिश बारिश आ गई है, सुनो बारिश आ गई है, बारिश बारिश आ गई है। तो गाइस आ गई है बारिश, मोटी मोटी जो हवा चल रही थी ना, जो बादल हो रहा था, टक्कर मार दी गई बेवकूफ ने, बहुत तेज बारिश हो गई है। ये बारिश मोटी मोटी बूंदे आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में आके खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट आज ही शैम्पू किया था और जैसे भी मैं शैम्पू करती हूँ फिर कुछ ऐसा हो जाता है, इसलिए गाइस। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके नीचे आके खड़ी हो गई हूँ, और ये देखो दोनों, ये दोनों लगे बड़े बारिश में मजे कर रहे हैं, हालांकि इतनी तेज नहीं है, पर देखो आपको दिख रहा होगा ये ऐसी ऐसी बूंदे आ रही है, शायद हवा जो है ना ये बूंद बारिश को ले जाएगी। बारिश की वजह से क्राउड जो है ना सब अंदर हो गया है, यहाँ पर बहुत सारा क्राउड था, नहीं तो अभी मौसम इतना अच्छा, हवा इतनी अच्छी, ऊपर से मोटी मोटी बारिश की बूंदे माहौल को बड़ा खुशनुमा बना रही हैं। बहुत अच्छी मीठी मीठी ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है। और गाइस सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैं बोलूँगी कि हमारे जो मम्मी पापा हैं उनका है कि वो रुद्राक्ष को रख लेते हैं, तो हम लोग ऐसे आ भी जाते हैं, इन्जॉय कर भी पाते हैं। अगर वो रुद्राक्ष को नहीं रख पाएँ तो हम लोगों का सब बेकार है, हम लोग नहीं इन्जॉय कर पाएंगे गाइस। और ऐसा होना चाहिए कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम भी उन्हें सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो गाइस हम भी उन्हें सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों को हम अपने पास रख लिया करेंगे, और लोगों को उन बच्चों को उनकी वाइफ के साथ उनको जाने की एंजॉय करने का मतलब टाइम स्पेंड करने का टाइम देंगे एंजॉय करने का, क्योंकि बच्चों की उम्र आ जाती है फिर हम लोग घर में रहेंगे बच्चों को लेके, तो हम लोग उनसे ये सीख रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए हर पेरेंट्स को, है ना गुड्डू बेबी। अगर हमारे मम्मी पापा नहीं रखे रुद्राक्ष को तो हम भी नहीं घूम पाएंगे ना इतना, है ना, इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो गाइस हमारे तो बहुत अच्छे हैं, बाकी आप सबका पता नहीं सबके वैसे तो अच्छे ही होते हैं। हम लोग आ चुके हैं डीएलएफ में, जाकर देखते हैं कुछ मिलेगा तो शॉपिंग कराएंगे, तुम करा रहे हो, शर्ट लेनी है, चलो देखते हैं। शॉपिंग नहीं कराएंगे आप, मेरे को करना है, ठीक है ठीक है, ले लेना, ओके हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो बुला देना, चलिए ठीक है, दिला देना। ये वाली टी शर्ट तो आपके पास ग्रीन वाली, मेरी शॉपिंग हो गई है, जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया, अब हम निकलेंगे वैसे तो मूवी देखने का प्लान था, मगर ये लोग मूवी देख नहीं रहे हैं, तो अब हम निकलेंगे घर के लिए, तो अब घर पे पहुंच के आपसे बात करेंगे। तो गाइस मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई बातों के साथ, नए वादों के साथ, नए इरादों के साथ, और आप मुझे बताइए कमेंट करके ये मेरे ग्लासेस आपको कैसे लगे, ग्लासेस कैसे लगे आपको मेरे ये वाले, क्योंकि ये मैं पहले भी लगाती थी और आपकी बार मैंने थोड़ा सा दूसरे वाले भी चेंज किए हैं, वैसे कुछ भी ज्यादा सूट कर रहा है ना, ये मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ये वाला जो फ्रेम है ना मेरे लिए बना हुआ, ऐसा लगता है मुझे हमेशा। तो गाइस आप मिलते हैं हम कल नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के कमेंट जरूर आने चाहिए आज के ब्लॉग पर, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए हम लोग, और ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सब लोगों के हम बहुत आभारी होंगे, और दिल से थैंक यू आप सभी को।
बाय बाय, गुड नाइट। कल हम एक्चुअली शिवाई का स्कूल जाना है, आज शिवाई ने छुट्टी मार ली थी अपने पापा के बर्थडे की वजह से, तो कल शिवाई का स्कूल जाना है, जाके मुझे उसका होमवर्क भी कराना है, इसलिए हम टाइम से निकल गए हैं। वैसे भी 9:30 का टाइम हो रहा है, 10 बजे तक पहुंचेंगे और तब इसका थोड़ा सा होमवर्क है वो कराने के बाद सुबह उसको स्कूल भेजना है, इसलिए गाइस ओके बाय।